आपल्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना सांगतो मी, प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये सांगतो लोकांना, तुम्ही चॉईसला चुक म्हणजे सिलेक्शनला जर चुकला तर तुमचा गोटा चुकला. हे असं ब्रीड जर तुम्ही खरेदी केलं अशा चॉईसच्या जर हे बघा कालवड, म्हणजे तिचा पेच बघा, तिचा म्हणजे एकदम म्हणजे ब्रीडवर इथं काम केलं जात हरियाणा, त्यामुळे आम्ही इतक्याला आम्ही येतो प्रत्येक वेळेस. मी भाइयों को पंडित डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार. तो देख सकते हैं किसान भाइयों, आज फिर से पंडित डेयरी फार्म गायों से चकाचक भरा हुआ है और फिर से महाराष्ट्र के किसान विश्वास करके पंडित डेयरी फार्म पर आए हैं और जाने माने चेहरे संतोष सलंकर ये भी काफी बारी हमारे फार्म पर आ चुके हैं और काफी किसानों का भी सहयोग कर रहे हैं, किसानों के साथ आते हैं सिलेक्शन करने के लिए अच्छी गाय का, और खुद भी अपने गोटे पर इन्होंने लगभग पंडित डेयरी फार्म लगभग 20 से 30 गाय लिया है. तो आज हम आपको एक एक करके सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि कौन सा शेतकरी किस क्षेत्र से आया है और उन्होंने कितना गाय खरीदी किया. नमस्कार हनी भाई. नमस्कार. तो हनी भाई, आज ये जो सभी किसान है किधर से आए हैं, तो हम एक एक करके सभी किसानों जानते हैं और उन्होंने पंडित डेयरी फार्म से कितना कालवड़ खरीदी किया है और किस कीमत में खरीदी किया है. ये सभी भाइयों ने सबने मिलके, ये 3-4 जन आए थे, इन्होंने मिलके 12 कालवड़ खरीदी किया है हमारे डेयरी फार्म से, जिसमें से 11 कालवड़ इन्होंने गाबन खरीदी किया है और लगभग 1 कालवड़ इनका खाली कालवड़ दिया इन्होंने. तो भैया क्या नाम है आपका, किधर से आए हो आप? हम सांगली जिला से, विटा से, हमने 4 कालवड़ लिए है. तो भैया आप किधर से आए हो, आपने कितना कालवड़ खरीदी किया है? हमने 3 कालवड़ लिया है, कड़ेगांव से, सांगली जिला से. हम सांगली जिला से 4 कालवड़ लिए. हम सांगली जिला से है बेटा. हम सब, ये मेरा फ्रेंड है सब, वो कौन सा गाय लेता है इसका नॉलेज लेने के लिए मैं इनके साथ आया था. ठीक है चाचा. तो ये पंडित डेयरी फार्म है, उसने अच्छा सर्विस दिया है, बहुत अच्छा सर्विस दिया है. तो देख सकते हैं जाने माने चेहरे संतोष भाई, आज से फिर से किसान आपका भरोसा करके, आप पे भरोसा करके खुद आज हरियाणा में पंडित डेयरी फार्म में फिर से आए हैं. लगभग इन सब ने मिलकर 3 गाड़ी खरीदी किया है. तो क्या कहना चाहेंगे संतोष भाई, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है जो महाराष्ट्र पंडित डेयरी फार्म में कालवड़ जा रहा है, पहले भी बहुत गाय गए, कैसा रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सा अपने शेतकरी जो आपका वीडियो देख रहे हैं उनको बताइए आप थोड़ा सा. पहले तो मैं अपने महाराष्ट्र शेतकऱ्यांना माझा नमस्कार. काही लोकांचं असं म्हणणं होतं की बाबा गाय जरा थोड्या जवळ झालेले जरा ताप होतो, म्हणून ह्या शेतकऱ्यांनी सगळ्या माझ्या मित्रांनी पहिला रो आदत आणि ह्या अशा टॉप ब्रीडच्या बघू शकता तुम्ही, अशा आदत कालवडी टॉप ब्रीडच्या आदत कालवड आहे. आदत ए बेची चांगल्या क्वालिटीची कालवड आणि 7.5 म्हणजे 7.5-7.5 महिन्याची गाबण आहे. एबीएस के स्ट्राइकर की सीमन की आहे. अगर कीमत की बात करें संतोष भाई, किस कीमत में खरीदी की है आपने? ये गाय हमने 70,000 के एवरेज से खरीद ली कालवड़. ठीक है. और ये जो कालवड़ है भैया ज्यादा कच्चा नहीं है, ये सब 6 महीने से 7 महीने के आसपास का कालवड़ है जो इन्होंने भाइयों ने खरीदी. और हाइट लाइन देख सकते हो, अदंत कालवड़ है, इसका पूरा रिकॉर्ड देख के चेक करके फिर दिया. अब ये देखो, ये बोलते है किसान भाई अदंत कालवड़ी देख सकते हैं, दो दांत निकाल, नहीं दो दांत नहीं अदंत है, अदंत देख सकते हैं. तो इस कालवड़ के बारे में बताइए हनी भाई, इस कालवड़ का क्या रिजल्ट रहेगा? 40-120 के सीमन की है. ठीक है. और आगे ये बहुत ही अच्छे सीमन से प्रेग्नेंट है, जहां से हमने खरीदी किया इसका पूरा रिकॉर्ड मिला हमको. ठीक है. और ये हमने एक ही फार्म से 4 कालवड़ खरीदी किया था, 70,000 की एवरेज से 4 कालवड़. और कालवड़ की हाइट लाइन देख सकते हो पूरी है. और कुछ किसान भाई बोलते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, इतनी दूर गाड़ी में जाता है तो कैसा गाय लेना चाहिए? तो एक किसान भाई है, नवे युवा लोग है, तो इन्होंने शुरुआत कर रहे हैं, इन्होंने पहली बार में ऐसा गाय खरीदी किया, कालवड़ खरीदी किया ना पहली बार का, 6 महीने का 5 महीने का 7 महीने का. ये देख सकते हैं आप ओल्ड स्टार की सीमन की गाय है और ये लगभग बस कालवड़ आ रही है. देखो ऑर्डर देखो, बहुत ही बढ़िया. 70,000 रुपये खरीद के सीमेंट चाहिए. देखते काफी शानदार टॉप ब्रीड का सभी, आज ये 12 कालवड़ जा रहे हैं, देखते काफी शानदार. किसान भाई ये भी देखते हैं, ये वर्ल्ड वाइड का है, ये देख सकते हैं खुद, और आगे पीडीएफ से प्रेग्नेंट है, काफी शानदार रेट. सुनो भाइयों को, अपने फार्म से तोहफा दिया है भाइयों को, और मात्र 52,000 का दिया भाइयों को. कितने का लिया भैया? 52,000 का लिया भाइयों. तो पंडित डेयरी फार्म पर रेट वाजिब लगा भैया? सबसे थोड़ा कम रेट पंडित डेयरी ने हमको लगाया. तो ये खाली कालवड़ इन्होंने खरीदी की, ये मात्र 20,000 में इन्होंने अदंत कालवड़, ब्रूट सीमन की कालवड़ और अभी खाली है, अदंत कालवड़े देखते हैं. उसके बाद एक और, ये काफी बड़ा शानदार कालवड़ है,
उसके बाद एक और एक काफी बड़ा शानदार कालवड़े देखते हैं। सभी कालवड़ जो लगभग अदंत दो दांत, तो किसान भाइयों का रिव्यू जानेंगे हम एक बार, हम आपको सभी कालवड़ दिखा देते हैं। काफी शानदार है, ब्रीडेड कालवड़ सभी देख सकते हैं, सभी अदंत और दो दांत, अदंत और दो दांत सभी कालवड़े देख सकते हैं। और एक और ये काफी, एक बार हनी भाई इस कालवड़ को खोल के चलाइए, हनी भाई थोड़ा सा खोल के चलाइए एक बार इस कालवड़ को। ये जो सर फार्म, ये जो गाय कालवड़ खरीदी है, मुंह से चार दांत है और इसको बहुत ही अच्छे फर्स्ट लैक्टेशन में 30 लीटर दूध से ऊपर की उम्मीद है इससे। और ये पीडीएफ है कि मैसी के सीवन की है, जो पीडीएफ का कॉम्पिटिशन हुआ था वहां पे मैसी सीवन की गाय चैंपियन बने था, ये उसी सीवन का गाय है। और कुछ किसान भाइयों का आता है कैसा गाय चाहिए ऐसे, ये कालवड़ है ना, ये सुपर डुपर कालवड़ है। और ये देख सकते हैं इसकी हाइट लेंथ, और ये देख सकते हैं इसका पीठ पुट्ठा। और इस गाय को चाहे जोन सा मर्जी सीमेंट लगवा लो, ये देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। शानदार टॉप ब्रीड का ये कालवड़े देख सकते हैं, काफी शानदार है देख सकते। किसानों ने कुछ गायें भी खरीदी किया है तो इनका भी हम अभी वीडियो निकाल के दिखाएंगे आपको, सभी गाय को जिन्होंने सभी गाय खरीदी के देख सकते हैं, काफी शानदार। तो संतोष भाई काफी शानदार कालवड़ खरीदी किया है, तो मैं इन्हीं किसानों जाना चाहूंगा आप अपनी डेयरी फार्म पर आए तो इधर आके आपको कैसा लगा, रेट के बारे में, कोई रहने खाने किसी तरह कोई समस्या कोई परेशानी तो अपना मराठी में बोलिए भैया, जो आप किसानों को मैसेज देना चाहते हैं आप। आम्ही सगळे सांगली जिल्हा विटा डवळेश्वर इथून आलेलो आहे, पंडित डेअरी फार्मवर आल्यानंतर आमची जेवणा खाण्याची सोय अगदी आपल्या घरच्यासारखी केली त्यांनी, आणि त्यांच्या स्वतःच्या खर्चानं स्वतःच्या गाडीतनं सगळ्या फार्मवर फिरवून आम्हाला सगळ्या या कालवडी सगळ्या स्वस्त दरात दिल्या त्यांनी, आणि आम्हाला मार्गदर्शन केले संतोष सोनेनकर गाव रुई तालुका माढा जिल्हा सोलापूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पंडित डेरूला भेट दिली आम्ही। तर आम्हाला सगळ्या पंडित डेरीच्या सगळ्या लोकांनी व्यवस्थित अगदी सगळं व्यवस्थित आम्हाला मार्गदर्शन केले आणि गाई खरेदी करून दिल्या। तो संतोष भाई क्या कहना चाहेंगे, देखते काफी शानदार फ्यूचर ब्रीड है। मी आपल्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना सांगतो, मी प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये सांगतो लोकांना, तुम्ही चॉईसला चुक म्हणजे सिलेक्शनला जर चुकला तर तुमचा गोटा चुकला। हे असं ब्रीड जर तुम्ही खरेदी केलं अशा चॉईसच्या जरी हे बघा कालवड म्हणजे तिचा पेच बघा, तिचा म्हणजे एकदम म्हणजे ब्रीडवर इथं काम केलं जातं हरियाणा, त्यामुळे आम्ही केला आम्ही येतो प्रत्येक वेळेस। काही लोक तिथे काय पण घेऊन जाते, तुम्ही घ्या पण ब्रीडचं घ्या, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ मध्ये काय आहेत कमी आहे कुठली गोष्ट कुठलं कोणतं हे बघा, तसंच हे बघा तुम्ही त्या सिलेक्शन महत्वाचं आहे, सगळ्यात जास्त सिलेक्शन महत्वाचं आहे। हे पहिल्यावर काढ पाड्यात सगळ्या आदत पाड्यात सगळ्या म्हणजे हे पाड्यामध्ये लोकांना आपल्या 70,000 पोचू दे, तुम्हाला सांगतो म्हणजे ह्या जातीच्या जर तुम्ही पाड्या घेतल्या तर व्यवस्थित भेटतो, तुम्ही सिलेक्शनला चुकू नका। आणि त्यासाठी तुम्हाला सांगतो असं म्हणून मी स्वतःला गाई घेण्यासाठी आलतो, त्याच्यामुळे हे बाकी सगळे लोकांना सिलेक्शनला मदत झालेली आहे। असं एकदम टॉप ब्रीडच सिलेक्शन साठी तुम्हाला सांगतो, त्या पद्धतीच जर तुम्ही सिलेक्शन केलं तर तुम्ही कुठेही फसू शकत नाही। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे जो भी महाराष्ट्र के शेतकरी है ना, तो भाई आज के टाइम में देखो YouTube के ऊपर सारा वीडियो डल रहा है, ठीक है ना, और आप देख सकते हो अपने फार्म पे, आप देख सकते हो कि भाई कितना क्वालिटी का अपने पास हीफर अवेलेबल रहता है। और ये नहीं कि आज ये जो हमारे पास महाराष्ट्र के शेतकरी लोग आते हैं ना, इनको एक दिन दो दिन पूरा अच्छी तरह तसल्ली करवा के फिर हीफर दिलाते हैं। और ये नहीं बोलते कि भैया हमारे ही फार्म पे है यहीं से लो, अपने फार्म से जितना पसंद आता है फार्म से खरीदी करो, वरना बाहर से दूसरे फार्मों से किसानों के पास से अच्छा ब्रीड का। और मेरी बात सुनो भैया, जो भी इनको कालवड़ खरीद दिया है उसका पूरा माहिती दिया है इनको कि भाई कौन सा कालवड़ कौन से सीमन का है, कैसा इसका रिकॉर्ड है, इसको कैसे चारा देना है, प्रॉपर इनका पूरा बता के भाई किस हिसाब से इनका नियोजन करके इनको इतना बड़ा किया है जब इनको यहीं पर परचेज करवाई है। और बाकी जो हमने संतोष भाई ने आज एक नंबर की बात बोली कि अगर ब्रीड चुनने में अगर तुम चूक गए तो तुम्हारा फार्म कभी नहीं पास हो सकता। तो सबसे बड़ी बात होती है एक फार्म को सक्सेस करने में 3 चीजें होती है, ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट। ब्रीड अच्छी है आपके पास, फीड अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है आपका फार्म कभी फिर चालू नहीं हो सकता। और अगर आपका पास फीड अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, ब्रीड अच्छी नहीं है तो आपका फार्म कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो बहुत उसके बाद भाई हम एक चीज और बोलना चाहेंगे, जो हमारे पास से शेतकरी लोग लेना चाहते हैं गाय, भैया देखो हम यहाँ से ब्रीड दिला सकते हैं आपको,
आपको मैनेजमेंट आपको करना है इनका हीपर्स का, जैसी आप इनकी मैनेजमेंट करोगे वैसा आपको रिजल्ट देगी। ब्रीड में कोई कमी नहीं है, किसी चीज में कोई कमी नहीं है हमारे पास। भैया ये देखो, हम ये बोलते जो भी किसान आता है कि भाई हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट देख के जाओ, एक दिन फालतू लेके आओ, मैनेजमेंट देखो गाय का कैसा मैनेजमेंट करती है, उसके बाद आप हीपर परचेज करके लेके जाओ, ठीक है ना। ब्रीड में हमारी में कोई 1% की दिक्कत नहीं है। हरियाणा पंजाब में भैया मैं बोलता हूँ 24 घंटे की यहाँ पे किसान लोग पशुओं के पास वो करते हैं। और ये देख सकते हो जब ऐसे लगभग अदंत कालवड है, और अदंत कालवड अभी 7 महीने का गाभन है, ठीक है ना। और बाकी संतोष भाई से पूछेंगे कैसा क्या कुछ रहा। तो किसान काफी शानदार टॉप टॉप क्वालिटी का 12 कालवड़ बिक्री होकर जा रहा है हरियाणा कनाल पन्नी डेयरी फार्म से महाराष्ट्र के लिए। तो सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।